दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये बैम्बू पेड़ है, आप तो जानते ही होंगे। अभी पेड़ काटना सरकार ने पाबंदी लगा दिया है बहुत जगह पर, ठीक किया है क्योंकि ये पर्यावरण के खिलाफ है। तो ये जो बैम्बू पेड़ देख रहे हैं ना, ये काटने में कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि ये झाड़ी में होता है, आज काटेंगे अगला साल फिर हो जाएगा। तो इसे इस्तेमाल करके ना बहुत अच्छा अच्छा इनकम जनरेट किया जा सकता है। तो एक के बाद एक वीडियो इसके ऊपर मेरा आएगा, आप मुझसे बने रहिएगा तो बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगा। दोस्तों आज जो हम सीखेंगे वो है ये जो पेड़ देख रहे हैं बैम्बू पेड़ से कैसे टूथब्रश बनाया जाता है। ठीक है, इको फ्रेंडली है, सुबह सुबह उठ के जब ब्रशिंग कीजिएगा मजा आएगा। ठीक है, प्लास्टिक बहुत प्रॉब्लम करता है, ये पर्यावरण के खिलाफ है, लेकिन बैम्बू से आप अगर ब्रशिंग करेंगे अच्छा लगेगा और ये बहुत ज्यादा दाम भी नहीं पड़ेगा, सस्ता ही आएगा। ठीक है, और कैसे इसे बनाना है, क्या मशीन लगेगा, कैसे इसे प्रेजेंटेशन करना है, कितना डिजाइन आता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या लाइसेंस लगेगा, पूरा जानकारी इस वीडियो में हम हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं यही है बैम्बू ब्रश। ये तरह तरह का होता है, कलरफुल होता है और ये इको फ्रेंडली है, आप यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, और ये दोस्तों आप अगर इसको लेकर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये देखिए जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स भी जो है ना ये भी बैम्बू से बनाया जाता है। ठीक है, एक ब्रश के लिए एक बॉक्स आप ऐसा बना के मार्केट में बेच सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये जो मशीन है, मशीन एक मशीन से ये नहीं बनता है। पहले ये जो दिख रहे हैं, ये जो इसका हैंडल है, ब्रश का हैंडल पहले बनाया जाता है, उसके बाद हैंडल में ड्रिलिंग किया जाता है, ड्रिलिंग करके ऊपर का जो रुई है इसमें दिया जाता है, लगाया जाता है, उसके बाद ये फिनिशिंग होता है। फिनिशिंग करने के बाद आपका कंपनी का जो नेम है ये आप हैंडल में प्रिंट आउट माने प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो करने के बाद ये मार्केट में आप लॉन्च कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये ऐसा डिज़ाइन दिख रहा है, लेकिन एक ही टाइप का डिज़ाइन नहीं आता है, इसमें चार टाइप का डिज़ाइन होता है। ठीक है, ये तो हैंडल है तो चार टाइप का डिज़ाइन माने मतलब मार्केट में ये चलता है। और ये जो मशीन दिख रहा है, ये मशीन भी तरह तरह का होता है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट आप अगर देखिएगा तो माने 10-12 लाख रुपया हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। और एक बात है दोस्तों, अभी ये फॉरेन कंट्री में ज़्यादा चलता है, इंडिया में ये ब्रश आपको कम मिलेगा, लेकिन आप अगर लॉन्च करेंगे तो मार्केट में अच्छा चलेगा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक आइटम है। ठीक है, तो ये अच्छा एक माने बिजनेस हो सकता है आपके लिए। ठीक है, देखिए ये जो देख रहे हैं ये हैंडल तरह तरह का होता है, कितना टाइप का डिज़ाइन आता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो डिज़ाइन दिख रहा है इसे फ्लैट डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है, एकदम फ्लैट होता है। और नेक्स्ट जो दिख रहा है ये है चंकी डिज़ाइन। ठीक है, ये देखिए इसका जो हैंडल है, हैंडल भी थोड़ा अलग होता है, रुई भी अलग। और ये जो दिख रहा है ये राउंड, देखिए ये राउंड शेप का है, हैंडल भी राउंड है एकदम। ठीक है, ब्लू कलर का बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। और जो ये देखिए ये कम्फर्टेबल है। ठीक है ना, ये बहुत तरह का माने चार तरह का है, लेकिन आप
इससे भी अलग अलग जिग जैग डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस होगा अभी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि प्लास्टिक का जो, देखिए प्लास्टिक का ब्रास जो होता है ना, ये माने पर्यावरण के लिए बहुत ही ख़राब होता है, और ये साइज जो है सेम है प्लास्टिक जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये आप अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आज नहीं तो कल ये बिज़नेस ज़रूर चलेगा। और दोस्तों ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की अगर बात की जाए तो ट्रेड लाइसेंस तो लगेगा ही, एमएसएमई तो करना ही पड़ेगा आपको। और एक बात है, ये एक इको फ्रेंडली बिज़नेस है तो आपको बहुत सुविधा भी मिलेगा, गवर्नमेंट आपको हेल्प भी करेगा। और एक बात है दोस्तों, ये इसमें पॉल्यूशन तो करना ही है, मोटर लाइसेंस भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए ये मशीन कैसे काम करता है आपको तो दिखाया। और एक बात है दोस्तों, ये मशीन का प्राइस क्या है और कहाँ मिलेगा, ये डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है। देखिए दोस्तों ये हैंडल है, हैंडल एक मशीन से बंध के आया है। ये जो मशीन मैं दिखा रहा हूँ इसमें ड्रिलिंग हो रहा है, ठीक है। ड्रिलिंग का मतलब जो ब्रास के ऊपर में जो रुई होता है ना उसको इसमें इंजेक्ट किया जाता है, तो इसके लिए ये मशीन का इस्तेमाल होता है। इसके लिए मैंने बोला कि ये 3-4 मशीन इसमें लगता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको 10 से 12 लाख रुपया मशीन में ही लग जाएगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। और एक इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, इसमें एक करंट लगता है क्योंकि मोटर चलेगा, ठीक है। मोटर चलने के लिए कितना केबी लाइन, कम से कम 10 KB तो आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जोड़ के अगर, और एक बात है, आपके पास अगर जगह है तो ठीक है, नहीं तो आपको जगह भी परचेस करना है। कम से कम 40 फुट बाई 20 फुट ये तो जगह लगेगा ही, क्योंकि प्रोडक्शन करना है, उसके बाद प्रोडक्शन किया हुआ जो माल है एक के बाद एक मशीन में जाएगा, उसके बाद एकदम फिनिशिंग जो माल है उसको भी आपको रखना पड़ेगा एक जगह पर स्टोर करके। तो ये पूरा अगर देखिएगा तो कम से कम 40 से 50 फीट बाई 20 फीट एरिया होने से तब जाके आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर पाएंगे, थोड़ा जगह तो आपको लगेगा ही। और दोस्तों बन जाने के बाद ऐसा देखिए, जो बॉक्स देख रहे हैं ये भी बैम्बो से ही बनाया जाता है, ये बहुत ही देखने में बढ़िया लगता है। अंदर का ब्रास अगर ये बैम्बो के बॉक्स में रख के सेल करेंगे तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट आपको अच्छा मिलेगा, और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बोलेगा तो ये 3 रुपया से 4 रुपया एक ब्रास में कॉस्टिंग आता है, और जो बॉक्स देख रहे हैं 8 से 10 रुपया पड़ता है, ठीक है। तो पूरा अगर कॉस्टिंग देखिएगा तो 12 रुपया पड़ता है, और ये 50 रुपया में आप सेल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मशीन का लिंक मैंने दे दिया है, जाके आप लिंक में क्लिक करके मशीन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।